दोस्तों ये कहानी दो ऐसे भाई बहन की है जो कि एक आइलैंड पे फंस जाते हैं और दबा के घपाघप करते हैं। जहाँ देखो वहाँ टपाटप जंगल में, पानी में, समुन्द्र में टपाटप करते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों इस आइलैंड पे कैसे सरवाइव करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम दो भाई बहन को देखते हैं जो कि एक दूसरे के कजिन्स हैं और अपने पापा के साथ अपने घर को छोड़कर यूरोप जा रहे होते हैं। उसी बोट में पैडी नाम का एक नौकर भी खाना बनाने का काम करता था। वहीं वो दोनों भाई बहन ये देख रहे होते हैं जो आजकल हम देखते हैं। अभी पैडी उन्हें देख लेता है, वो बोलता है वाह बेटे मौज कर दी और उन्हें खूब मारता है। तो एमलिन पैडी को रोकने लगती है। अचानक उसी बोट में आग लग जाती है और सभी लोग भागने लगते हैं। वहीं पैडी उन दोनों को लेके एक बोट में बैठ जाता है जहां बोट तैरते तैरते बीच समंदर में आ जाती है, जिससे वो परेशान हो जाते हैं। अगली सुबह जब उनकी आँख खुलती है तो वो दोनों पैडी को जगाते हैं और एक आइलैंड को देख के बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके पास ना खाने को कुछ था ना पीने को। वहीं पैडी आइलैंड देख के बोट मोड़ देता है जिससे वो सभी आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर पैडी को अपने खाने का सामान मिल जाता है। सभी खा पी कर मौज ले रहे होते हैं। इसके बाद पैडी रिचर्ड को जंगल में सरवाइव करना मतलब रहना सिखाता है कि एक आदमी एक सुनसान आइलैंड पे अकेले कैसे सरवाइव कर सकता है। उसी रात पैडी को जोर से आह आह की आवाज आ रही थी। उठकर देखता है कि वो आवाज आइलैंड के दूसरे साइड से आ रही थी, लेकिन अगली सुबह उससे रहा नहीं जाता। वो उस साइड देखने चला जाता है जहां वो एक मास्क का टुकड़ा देखता है जिसे देखकर वो डर जाता है और रिचर्ड और एमलिन को वहाँ जाने से मना करता है। उसी रात मैडी ठरा पीकर बच्चों के साथ एंजॉय करता है और पैडी फिर से नशे की हालत में आइलैंड के उस पार चला जाता है जैसे कि उसकी लुगाई वहाँ उसे दे रही हो। सुबह होती है तो रिचर्ड पैडी को ढूंढने लगता है। वहीं वो पैडी को देखते देखते एक दूसरे आइलैंड पे पहुंच जाते हैं जहां वो देखते हैं कि पैडी को यमराज ले गया है, मतलब ओम नमः शिवाय पैडी आपके पास ही आए। पैडी को देखकर वो दोनों डर जाते हैं क्योंकि उनके सिवाय इनका कोई नहीं था और वो दोनों उस आइलैंड को छोड़कर एक दूसरे आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। अब धीरे धीरे रिचर्ड और एमलिन बड़े हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते जा रहे थे। जैसे भी मौका मिलता था तो वो काम करने लग जाते थे जो आजकल के लोग चाहते अपनी बंदी से, लेकिन उन दोनों को इतनी समझ नहीं थी कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। इसके बाद जब एमलिन नहाने जाती है तब उसे उसकी लाइफ का पहला पीरियड आता है जिसे देखकर वो डर जाती है। वो रिचर्ड को आवाज देने लगती है लेकिन एमलिन को फील होने लगता है कि ये ब्लड उस वजह से आ रहा है और वो रिचर्ड को वहाँ से जाने के लिए कहती है। उसके बाद रिचर्ड एमलिन से पूछता है वो ब्लड कहाँ से आया था, कोई चोट तो नहीं लगी ना तुमको, जिस पर एमलिन कहती है मुझे कुछ नहीं पता। और यहीं से रिचर्ड को पता चलता है कि एमलिन मुझसे बातें छुपाने लगी है और दूसरी तरफ एमलिन रिचर्ड के प्यार में पागल होती जा रही थी जैसे उसकी तितली हैंडपंप लेने को तड़प रही हो। वहीं रिचर्ड की एक आदत बन चुकी थी, जब भी एमलिन नहाने जाती थी तब वो उसको छुप छुप के देखता था और रात को वो डिनर करके बहुत मस्ती करते थे। अगली सुबह एमलिन जंगल में घूम रही होती है तब उसे एक भयानक सी आवाज आती है जिसे सुनते सुनते वो एक भयानक सी मूर्ति के पास पहुंच जाती है जिसमें से ब्लड निकलता है। ये देखकर एमलिन वहाँ से डरकर भाग जाती है और रिचर्ड को सब कुछ बताती है जिसे सुनकर वो बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि अब की बार तुम कहीं गई तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। उसी रात एमलिन को एक सपना आता है जिसमें रिचर्ड समुद्र में डूब रहा होता है और अचानक से उसकी आँख खुल जाती है। रिचर्ड को सामने देखकर एमलिन के प्यार में 500 घोड़ियों का प्यार आ जाता है। वहीं रिचर्ड भी अपने अवजार को काबू में नहीं कर पाता और उसे किस करने वाला होता है, लेकिन एमलिन उसे दूर करके उसे सुला देती है, सो जा मुन्ना सो जा। लेकिन जब काम इच्छा की शक्ति जागती है ना तो बंदा बावला हो जाता है। रिचर्ड एमलिन के पास रात में फिर से जाता है, तभी एमलिन जाग जाती है और उसे भगा देती है, जहां उन दोनों को कुछ पता नहीं होता कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। अगली सुबह रिचर्ड जंगल में घूमने जाता है तो एमलिन कहती है कहाँ चला बे, तो रिचर्ड मन में सोचता है तुझे क्यों बताऊं, तू तो देगी नहीं। लेकिन एमलिन भी रिचर्ड के पीछे पीछे समुद्र किनारे पहुंच जाती है जहां वो हैंडपंप नचा रहा था। उसे देखकर एमलिन कहती है ये क्या कर रहे हो, तो रिचर्ड कहता है निकल यहां से रैप्टे दूंगा खींच कर, और वो अपना मुंह लटकाकर वहां से चली जाती है। एक दिन रिचर्ड समुद्र में एक शिप को आते हुए देखता है जिसे देखकर वो घर पर भागते हुए आता है। दरअसल रिचर्ड ने संकेत देने के लिए लकड़ियों का ढेर जमा कर रखा होता है, जैसे ही उन्हें कोई इंसान दिखे वो लकड़ियों का ढेर जलाकर उन्हें बुला सके। रिचर्ड एमलिन से कहता है कि तुमने भी बोट को देखा था, तुमने लकड़ियां क्यों नहीं जलाई, जिससे रिचर्ड गुस्सा हो जाता है। दोस्तों एमलिन यहां घुल मिल चुकी थी, उसका यहां से जाने का बिल्कुल मन नहीं था इसीलिए उसने ऐसा किया, लेकिन रिचर्ड को वहां नहीं रहना था और वो एक बोट बना के वहां से जाने लगता है। वहीं एमलिन भी सोचती है जा बेटा जा, कोई नहीं। वहीं रिचर्ड की बोट टूटकर समुद्र में बहने लगती है जिसे देखकर एमलिन काफी खुश होती है और हंसने लगती है। और जब रिचर्ड वापस आता है तब तो वो उसका मजाक बनाकर हंसने लगती है। वो कहती है मुझे पता है बेटा तुम समुद्र के किनारे क्या करते हो। तब रिचर्ड कहता है तेरी आह भी निकाल दूंगा और तेरी चीखे भी निकाल दूंगा, तुम भी तो गलत काम करती हो मुझे देखकर। तब एमलिन कहती है तुम भी तो मुझे नहाते हुए देखते हो, मुझे सब पता है बेटा। वहीं एमलिन रिचर्ड के सर पर नारियल फेंक कर मार देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है और जब वो उसे देखती है तो रिचर्ड उसे एक चाटा
छलांग मारता है चल झोपड़ी की। वहीं रिचर्ड एमलिन के सारे कपड़े फेंक देता है। वो कहता है ये मेरा घर है, तू निकल यहाँ से, जिसके वजह से एमलिन को एक गुफा में जाकर रहना पड़ता है। अगले दिन एमलिन उसी भयानक सी मूर्ति को फूल चढ़ाने जाती है क्योंकि वो उसे अपना गॉड मानती थी, और घर आते टाइम उसका पैर एक जहरीली मछली पर पड़ जाता है जिससे वो काफी ज्यादा बीमार हो जाती है। जब रिचर्ड को एमलिन नहीं दिखती है तो वो उसके पास जाता है। वो एमलिन से पूछता है कि क्या हुआ, तो एमलिन कहती है कि कल घर आते टाइम मेरा पैर एक जहरीली मछली पर पड़ गया था जिससे मुझे फीवर हो गया है। एमलिन को इस हाल में देखकर रिचर्ड को बहुत बुरा लगता है। वहीं एमलिन रिचर्ड से कहती है तुम मुझे उसी भयानक मूर्ति के पास ले चलो, वो मुझे ठीक कर देगी। उसकी बात मानकर रिचर्ड एमलिन को वहीं ले जाता है। थोड़ी देर वहीं आराम करने से एमलिन ठीक हो जाती है जिससे रिचर्ड बहुत खुश होता है। वो दोनों एक दूसरे को कभी नहीं खोना चाहते थे। एक दिन हम जंगल में रिचर्ड और एमलिन को फूल खाते हुए देखते हैं, जहां रिचर्ड एमलिन को उस नजर से देखता है जो उसे चाहिए था, जिसके बाद तो वो अपने आप से कंट्रोल खो देता है। और इस बार एमलिन भी फूल साथ देती है और दोनों दबा के घपा घप करते हैं और बस करते ही रहते हैं क्योंकि उससे पहले केला जो खा लिया था। एक दिन रिचर्ड और एमलिन आपस में बात कर रहे होते हैं तो रिचर्ड बोलता है क्या बात है, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। तो एमलिन कहती है कुछ नहीं। तो रिचर्ड कहता है बेटा मैं देख रहा हूँ तुम मुझसे बातें छुपाने लगी हो। तब एमलिन कहती है यार मेरे पेट में बहुत दर्द और हलचल सी होने लगी है, लेकिन रिचर्ड को भी इस बारे में कुछ पता नहीं होता। मैं बताती हूँ, बेटा दबाकर केले खाओ, जोर से टपकाओ और 9 महीने की सजा पाओ। कुछ महीने बाद हम देखते हैं कि एमलिन का पेट और भी ज्यादा बढ़ गया है। वहीं रिचर्ड जंगल में घूमने जाता है तो उसे वहाँ अपने जैसे आदिवासी दिखाई देते हैं जो एक इंसान की बलि चढ़ा रहे होते हैं, और वो वहाँ से डरकर जब भागकर घर पर आता है तो वो एमलिन को एक बेबी के साथ देखता है। दरअसल एमलिन अब माँ बन गई थी। वहीं उसका बच्चा बहुत रोता है तो उन्हें लगता है कि इसको भूख लगी है और वो दोनों से फल खिलाने लगते हैं, लेकिन भला वो बच्चा फल कैसे खाए, उसे तो मम्मी का मिल्क चाहिए। तभी एमलिन उसको गोद में ले लेती है और वो बच्चा एमलिन का मिल्क पीने लगता है। वहीं रिचर्ड एमलिन को आइलैंड की दूसरी तरफ जाने से सख्त मना करता है, और अब ये दोनों अपनी लाइफ में काफी खुश थे। एक दिन रिचर्ड के पापा वहीं से शिप लेकर जा रहे होते हैं और वो अपने दूरबीन से रिचर्ड को देखते हैं जिसे लगता है कि ये कोई आदिवासी है, और वो अपनी बोट को मोड़ कर चले जाते हैं। वहीं रिचर्ड और एमलिन ने भी उस बोट को देखा था लेकिन अब उनका मन वापस जाने से बदल चुका था। इसके बाद रिचर्ड और एमलिन पुराने आइलैंड पर जाते हैं जहां वो स्टार्टिंग में आए थे और अपनी पुरानी यादों को याद करते हैं। वहीं उन दोनों का बेबी अब बड़ा हो चुका था। वो एक जहरीली बेर को तोड़कर बोट में डाल देता है और वहां से घर जाते टाइम रिचर्ड का बच्चा नाव की पतवार को नीचे समुद्र में गिरा देता है। एमलिन उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जब रिचर्ड उस पतवार को लेने जाता है तभी उसके पीछे एक शार्क पड़ जाती है, जिसे बचाने के लिए एमलिन नाव के दूसरे पतवार को भी शार्क की तरफ फेंक देती है और रिचर्ड बोट में आ जाता है। लेकिन उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था कि वो तीनों समुद्र से कैसे बाहर निकले। तभी रिचर्ड के बेबी को भूख लगती है और वो वही बेर खा लेता है, जिसे देखकर एमलिन काफी डर जाती है। लेकिन अब क्या था, वो देखकर ये दोनों डिसाइड करते हैं हम भी ये बेर खा लेंगे। लेकिन वो देखते हैं कि बच्चे पे इस बेर का असर नहीं हुआ, वो तो बस सो रहा था। वहीं रिचर्ड के पापा बीच समुद्र में रिचर्ड के नाव देख लेते हैं और वो लोग वहाँ पहुँचकर उन सभी को बचा लेते हैं, और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।